नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था फंडामेंटल ड्यूटीज यानी मौलिक कर्तव्य, और आज इस क्लास में जो हम टॉपिक डील करने वाले हैं वो है टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट यानी संशोधन के प्रकार, यानी किस किस तरह से हमारे संविधान के अंदर संशोधन किया जा सकता है, वो कौन से प्रकार हैं, वो कितने प्रकार हैं जिनके थ्रू हमारे संविधान में अमेंडमेंट हो सकता है, संशोधन किया जा सकता है। तो देखिए संविधान के अंदर संशोधन कैसे हो सकता है, आप यहां देखिए, एक होता है बाय सिंपल मेजोरिटी, एक संशोधन होता है बाय सिंपल मेजोरिटी अर्थात साधारण बहुमत द्वारा, साधारण बहुमत द्वारा, ठीक है। और दूसरा हमारा क्या होता है, आर्टिकल 368, आर्टिकल 368, आर्टिकल 368 के अंदर दो तरीके से आता है, एक तो होता है स्पेशल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी यानी विशेष बहुमत द्वारा, आप सिंपल भाषा में कहें तो 2/3 विशेष बहुमत के द्वारा, और एक होता है स्पेशल मेजोरिटी तो चाहिए ही चाहिए, इसके अलावा प्लस कंसेंट, कंसेंट का मतलब होता है मंजूरी, मंजूरी कंसेंट ऑफ हाफ स्टेट्स, आधे राज्यों की मंजूरी, कंसेंट्स ऑफ हाफ स्टेट आधे राज्यों की मंजूरी। तो देखिए इस तरह से होता है हमारा संशोधन, एक तो सिंपल मेजोरिटी के थ्रू होता है, जैसे कोई मतलब साधारण विधेयक पास किया जाता है, जैसे कोई सिंपल या ऑर्डिनरी बिल पास किया जाता है, एक तो वैसे होता है संशोधन, उसे हम आर्टिकल 368 के तहत नहीं गिना करते। 368 में दो तरह से संशोधन होता है, एक स्पेशल मेजोरिटी के द्वारा, विशेष बहुमत के द्वारा, आम भाषा में बोलें तो 2/3 मेजोरिटी, और एक होता है स्पेशल मेजोरिटी तो चाहिए ही चाहिए, इसके अलावा आधे राज्यों का कंसेंट, आधे राज्यों की मंजूरी भी चाहिए, ठीक है। जैसे 28 राज्य हैं तो 14 राज्य बोले हाँ, तभी ऐसे इस प्रकार का संशोधन किया जा सकता है। पहले आप मुझे बताएं कि संशोधन का तरीका हमने कहां से लिया था, क्या सोर्स था, वेरी गुड, दैट इज साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका से लिया था ना हमने, लास्ट क्लास थी उसमें हमने बताया था कि हमने इसके संशोधन के जो तरीका है, जो प्रोसीजर है, वो हमने कहां से लिया है, साउथ अफ्रीका। और जब मैंने आपको पार्ट्स पढ़ाए थे तो मैंने बताया था ये 20th पार्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो संशोधन के बारे में बताता है। तो पहला प्रश्न तो आपसे यही बन जाता है कि संशोधन किस पार्ट में आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, तो 20th पार्ट में आते हैं। संशोधन का प्रोसीजर कहां से लिया गया, साउथ अफ्रीका से लिया गया। कितने प्रकार से संशोधन किया जा सकता है, तो 3 प्रकार है। एक प्रकार है बाय सिंपल मेजोरिटी, जैसे साधारण विधेयक पास होता है, जैसे ऑर्डिनरी बिल पास होता है, वैसे ही संविधान में भी संशोधन किया जा सकता है सिंपल मेजोरिटी के द्वारा। जैसे इसका मतलब है जितने सदन में लोग प्रेजेंट हैं उनका 50% प्लस 1 यदि वोट मिल जाए, इतना बहुमत मिल जाए तो वो संशोधन हो जाएगा। दूसरा मैंने आपको बताया आर्टिकल 368 क्या कहता है कि दो तरह से, और उसके अंदर दो तरह से होता है, एक तो स्पेशल मेजोरिटी चाहिए यानी जितने प्रेजेंट हैं उनका 2/3 बहुमत चाहिए, प्लस जितनी टोटल स्ट्रेंथ है उसका 50%, ये होती है स्पेशल मेजोरिटी, जिसे आम भाषा में हम 2/3 बहुमत कह देते हैं। और दूसरा तरीका है स्पेशल मेजोरिटी, 2/3 बहुमत तो चाहिए ही, इसके अलावा आधे राज्यों की मंजूरी भी चाहिए। आइए देख लेते हैं एग्जाम्पल के साथ। देखिए सिंपल मेजोरिटी से जो पार्लियामेंट जो रीऑर्गेनाइज करती है स्टेट्स को, मतलब छोटे छोटे स्टेट्स को मिलाकर एक बड़ा स्टेट बना दे, या बड़े स्टेट में से 2 छोटे स्टेट बना दे, नाम बदलना, ये सारा जो चीज होता है यानी आर्टिकल 3 यानी फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, ऐसा इसके अंदर आएगा।
एक आता है आपका आर्टिकल 169 जो बात करता है अबॉलिशन एंड या क्रिएशन ऑफ अबॉलिशन और क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल. जो राज्यों में लेजिस्लेटिव काउंसिल होती हैं, विधान परिषद होती हैं, उनका हटाना, उनको अबॉलिश करना या उनको बनाना. ऐसा प्रस्ताव भी कैसे आता है आपका, सिंपल मेजोरिटी से पास हो जाता है. ऑफिशियल लैंग्वेजेस, राजभाषाओं से रिलेटेड कोई संशोधन करना है तो वो भी साधारण बहुमत के द्वारा ही हो जाएगा. आपको सिटीजनशिप से रिलेटेड, नागरिकता से रिलेटेड कोई संशोधन करना है तो वो भी कैसे हो जाएगा, साधारण तरीके से ही हो जाएगा, एक्सेट्रा. ठीक है, तो आप समझ गए हैं कि कैसे कैसे एग्जाम्पल है. आर्टिकल 3 जो पार्लियामेंट के पास पावर होती है स्टेट्स को रिओर्गेनाइज करने की, नए स्टेट्स बनाने की, बाउंड्री अल्टर करने की, एक राज्य से दो राज्य बनाने की या दो राज्यों को मिलाकर एक राज्य बनाने की, ऐसे जो बिल आते हैं वो सिंपल मेजोरिटी से पास होते हैं. ऐसा जो संशोधन किया जाता है वो सिंपल मेजोरिटी से किया जाता है. साधारण विधेयक जैसे पास होता है वैसे होता है. उसका एग्जाम्पल है जैसे आर्टिकल 3 जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, आर्टिकल 169 किसी राज्य में विधान, जो विधान परिषद को बनाना या मिटाना, ऑफिशियल लैंग्वेजेस से रिलेटेड यदि आपको कोई संशोधन करना है, नागरिकता से रिलेटेड आपको कोई संशोधन करना है, तो इस प्रकार का संशोधन साधारण बहुमत के द्वारा किया जाएगा. टू थर्ड मेजोरिटी यानी स्पेशल मेजोरिटी, यदि आपको फंडामेंटल राइट्स में, मौलिक अधिकारों में कोई संशोधन करना है तो दो तिहाई बहुमत से होगा. यदि आपको DPSP जो मैंने आपको बताया था राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसमें यदि कोई संशोधन करना है तो वो 2/3 मेजोरिटी से होगा, एक्सेट्रा. अब आता है ये वाला स्पेशल मेजोरिटी. स्पेशल मेजोरिटी उसके साथ साथ आधे राज्यों की मंजूरी, यदि ऐसे में होगा तो जैसे मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, यदि आपको प्रेसिडेंट के इलेक्शन के मेथड में कोई परिवर्तन लाना है तो वो इस प्रकार से लाया जाएगा. स्पेशल मेजोरिटी तो चाहिए ही, इसके अलावा आधे राज्यों की मंजूरी. जो आपकी शेड्यूल 7 है, मैंने आपको शेड्यूल पढ़ा रखी है, शेड्यूल 7 जो डिवीजन ऑफ पावर की बात करती है, जो 3 सूचियों की बात करती है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, यदि उनमें कोई परिवर्तन करना है तो वो स्पेशल मेजोरिटी प्लस कंसेंट ऑफ हाफ स्टेट्स के द्वारा ही किया जाएगा. और आर्टिकल 368 इटसेल्फ, और यदि हमें आर्टिकल 368 यही इसमें ही कोई परिवर्तन करना है तो भी स्पेशल मेजोरिटी तो चाहिए, इसके अलावा आधे राज्यों की मंजूरी भी चाहिए. तो आर्टिकल 368 में खुद में भी अगर उसमें कोई परिवर्तन करना है तो वो इस प्रकार से होगा. तो अब आप समझ गए कि संविधान में कितने प्रकार से संशोधन किए जा सकते हैं, ये संशोधन किस पार्ट में आते हैं, 20 में संशोधन का जो प्रोसीजर था ये हमने कहां से लिया, साउथ अफ्रीका से. कितने तरीके हैं, 3 तरीके हैं. एक सिंपल मेजोरिटी के द्वारा, जैसे कोई साधारण विधेयक पास होता है जिसके कुछ एग्जाम्पल इस प्रकार हैं. एक आर्टिकल 368 में, और 368 में 2 प्रकार होते हैं, स्पेशल मेजोरिटी के द्वारा जैसे फंडामेंटल राइट्स में आपको संशोधन करने हैं, DPSP में आपको संशोधन करने हैं यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, और एक स्पेशल मेजोरिटी तो चाहिए इसके अलावा आधे राज्यों की मंजूरी, जैसे प्रेसिडेंट के प्रेसिडेंट के इलेक्शन जो चुनाव के तरीका है उसमें कोई बदलाव करना है तो इस तरीके से होगा. शेड्यूल 7 जो अनुसूची 7 है जिसमें डिवीजन ऑफ पावर की बात की गई है उसमें कोई संशोधन करना है, इसको जानने के लिए आप शेड्यूल जो मैंने पढ़ाया है उसे आप देखेंगे कि शेड्यूल 7 क्या है, अगर आपको याद नहीं है तो. ठीक है, शेड्यूल 7 में यदि कोई संशोधन करना है तो इस प्रकार से होगा. और आर्टिकल 368 इटसेल्फ में, यदि खुद में आर्टिकल 368 में भी यदि कोई संशोधन करना है तो वो भी इस प्रकार से होगा. तो आप जान गए हैं कि संविधान में संशोधन करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं. ठीक है, तो आज के लिए इतना ही. तो चलिए इसको पढ़ें, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं. ओके, थैंक यू.